दोस्तों, जो भी कोई स्टूडेंट एक बार बैकडेट डिग्री लेता है या बैकडेट डिग्री के चक्कर में पड़ता है, हालांकि पूरी जिंदगी उसकी इसी में बीत जाती है, एक टेंशन में उसके सर पर तलवार लटकी ही रहती है कि कब मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, या कब मेरे डॉक्यूमेंट्स को डी वेरीफाई कर दिया जाए, या कब मेरी कोई भी कंपनी या फिर कहीं पर भी जॉब का चयन हुआ या प्रमोशन में आप गए, कब वहां से वेरिफिकेशन जाएगी और वो नेगेटिव होकर आ जाएगी। दूसरी बात क्या है कि फीस बहुत ज्यादा तरीके से आपसे ली जाती है। हालांकि अगर देखा जाए, रेगुलर एजुकेशन कहीं आप लेते हो तो अपनी फीस देते हो, यूनिवर्सिटी को हॉस्टल फीस देते हो, बाकी चार्जेस देते हो, बट बैक डेट में थोड़ी सस्ती डिग्रियां आपको मिल जाती हैं। बट प्रॉब्लम तो तब होती है जब आप उनके डॉक्यूमेंट निकालने जाते हो। मान लीजिए जो कंसल्टेंट है, अब आपका उससे कोई लिंक नहीं, अब आपको चाहिए डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल। आप यूनिवर्सिटी पहुंचे और पहुंचते पता चला कि आपका तो एक अमाउंट भी ड्यू है और डिग्री जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए फीस है 2000, आपसे 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। माइग्रेशन की फीस भी 6,000 रुपए है। देखा जाए प्रोविजनल चाहिए तो भी 10,000 रुपए दो, वेस्ट करवाना है तो भी 15-20,000 का बिल बना के यूनिवर्सिटियां दे देती हैं। ऐसा होता क्यों है दोस्तों, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। बैकडेट डिग्री के हमेशा हम अगेंस्ट रहे हैं, हमेशा आपको अवेयर करते आते हैं कि ऐसी डिग्री को ना लें, और ले ली है तो क्या प्रिकॉशन लेनी है उसके लिए भी आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटीज किस तरह से आपसे फीस ऐंठती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आप कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी स्टूडेंट ने बैकडेट डिग्री ली है, अगर लेने की सोच रहा है तो बिल्कुल मत लेना, किसी भी यूनिवर्सिटी से मत लेना। बेशक से आप ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिशन ले लें जहां पर आप क्लासेस नहीं लगानी, ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, डिस्टेंस में ले लें, बट बैकडेट के तरीके से ना जाएं। और अगर कोई भी आप कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बैकडेट डिग्री कराने से कभी किसी का भला हुआ नहीं, और दूसरी बात, आज नहीं तो 10 साल के बाद ये चीजें सामने आती हैं, और जब सामने आती हैं तो आप प्रॉब्लम में आओगे, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये कभी आपका साथ नहीं देगी। कि कंसल्टेंट और जो स्टूडेंट है, अल्टीमेटली फंसना इन दोनों को ही है। जेल जाना पड़ा तो भी आप लोग जाओगे, यूनिवर्सिटियां हाथ खड़े कर लेंगी। और कोई भी यूनिवर्सिटी का, कोई भी एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको ये बोलना जरूर चाहूंगा कि क्या क्या होता है, इन चीजों को प्रिकॉशन किस तरह से लें अगर आप स्टाफ हैं, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, है क्या कि मान लीजिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया, मैं मानता हूं आपने बीटेक किया, बैकडेट में डिग्री आपने खरीद ली, कितने पैसे देकर आप खरीद ली, उसके बाद में 2-4 साल बीत गए या फिर 6 महीने बीत गए, अब आप जाते हो यूनिवर्सिटी आप गए, आपने बोला जी मेरी बीटेक के डॉक्यूमेंट्स और मुझे अपनी डिग्री चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, प्रोविजनल चाहिए। जैसे आप गए तो पहले आपसे डिग्री ले ली जाएगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो अपने हाथ में ले लेंगे, या तो ये बोलेंगे वहीं पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लिए जाएंगे और बोलेंगे अपने कंसल्टेंट से बोलो बात करें, या फिर बोलते हैं कि आपकी तो फीस यहाँ कोई जमा ही नहीं है, अगर फीस जमा नहीं तो उसके पास तक मार्कशीट पहुंची कैसे, और अगर फीस जमा है भी तो बोलेंगे 50,000 रुपए आपके ड्यूज हैं, मतलब बिना बात की फीसें आपसे मांगी जाएगी। अब मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत भला कर भी दे आपके साथ में कि हाँ फीस तो पूरी है, अब आप डिग्री आप अप्लाई करना चाहते हो तो डिग्री की हमारी जो फीस है वो है 15,000 रुपए, या फिर फीस है 20,000 रुपए। दोस्तों, किसी भी चीज के लिए कैप लगाया जाता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे उलूल जुलूल पैसे मांगती है, उल्टे सीधे पैसे मांगती है, ऐसी यूनिवर्सिटीज की आपको UGC में कंप्लेंट करनी चाहिए, और किसी भी स्टेट में अगर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन है तो वहां पर भी कंप्लेंट करो ऐसी यूनिवर्सिटीज की। हालांकि एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन हर जगह पर नहीं है, हर स्टेट में नहीं है, पर अगर आपके स्टेट में है तो आपको कंप्लेंट कर देनी चाहिए इन चीजों के लिए। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन, डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में अभी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटियां बस किसी भी बहाने से आपसे पैसा लेना चाहती हैं, डिग्री के नाम पर, माइग्रेशन के नाम पर,
प्रोविजनल के नाम पर, वेस्ट करवाना है तो उसके नाम पर, अब डिग्री को वेरीफाई कराना है तो 10-15 हज़ार की फीस और दो। ये सब तरीके हैं, क्योंकि पहले इन्होंने बैकडेट डिग्री आपको देकर पैसा कमाया, अब वो इस तरह से पैसा आपसे ऐंठना चाहते हैं। पर इस तरह की हाई फीसें ये उन स्टूडेंट से नहीं लेते जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में। अगर कभी गवर्नमेंट इनके रिकॉर्ड को अच्छे से खंगाले तो यूनिवर्सिटी एक एक साल में लगभग 50,000-1,00,000 तक स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांट देते हैं, जबकि कैपेसिटी देखा जाए जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट किसी भी कैंपस में वो 5,000-6,000 से ज़्यादा है ही नहीं। 10,000 होना मतलब कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छे लेवल पर चलती है, जबकि इतने स्टूडेंट्स नहीं हैं। बट 50,000-1,00,000 तक डिग्रियां बांट दी, कहाँ से बांट दी, सारी बैकडेट डिग्रियां हैं ये। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस के अलावा आपकी फीस में काफ़ी अंतर होता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करते हो, एक्स्ट्रा फीस लेते हैं वो अलग। मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ बैकडेट डिग्री के चक्कर में मत पड़ो। बैकडेट डिग्री सिर्फ एक झांसा है, आप झांसे में फंस गए। फंसने के तरीके बहुत सारे हैं। तरीके क्या है, मान लीजिए आपको नौकरी नहीं मिल रही है, काफ़ी लड़कियों की शादी करनी है, आपको फर्दर कोई कोर्स करना है, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर मान लीजिए आपको अब्रॉड जाना है, आप बैकडेट डिग्री लेते और फंस जाते हो, डॉक्यूमेंट को इवन आप वेरीफाई तक नहीं कराते। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा के रखना बहुत ज़रूरी है। ये यूनिवर्सिटियाँ कब आपके लिए हाथ खड़े कर दें, कब आपकी डिग्री देने से मना कर दें, कुछ नहीं पता, क्योंकि आपके पास एविडेंस नाम पर सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट है, और वो भी कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटियाँ ना तो आपको फीस रसीद देती हैं, ना एडमिट कार्ड देती हैं, ना ही लाइब्रेरी कार्ड देती हैं। ऐसा कोई भी एविडेंस ये आपको नहीं देंगे जिससे यूनिवर्सिटी वाले फ्यूचर में फंस जाए, क्योंकि ये अपने आप को सेफ रखते हैं। कभी इन पर कोई बात आई तो सीधा यूनिवर्सिटी हाथ खड़े कर देगी और बोलेंगे कि हमारे पास तो आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, डिग्री ये फर्जी है, जबकि वो फर्जी नहीं होती, यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड होता है, बट वो ना फंस जाए इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करते। और इन सब समस्याओं से बचने का सिर्फ एक ही उपाय, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, किसी भी रीजन से हुई हो, बीमारी तो हो गई, अब बीमारी के बाद क्या अपना आप इलाज नहीं कराएंगे, इलाज आप कराएंगे। वो इलाज क्या है, उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से वेरीफाई करवाना, सबसे अच्छा तरीका आरटीआई या किसी भी गवर्नमेंट प्रोसेस से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं, उनको आप वेरीफाई करवाएं। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स लिए, विद इन, मैं बोल रहा हूं 1-2 महीने के अंदर अंदर वेरीफाई करवा लो, तब तक कंसल्टेंट का भी लिंक रहता है, यूनिवर्सिटी भी आपको वेरीफाई करने के मूड में होती है, वेरीफाई करा लो, सब तरह के डॉक्यूमेंट ले लो, जितने ज्यादा हो सके एविडेंस अपने पास संभाल के रखो, कभी फ्यूचर में ये लोग हाथ खड़े ना कर दे, प्रॉब्लम हो सकती है। ना तो यूनिवर्सिटियां ये पूरी लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती हैं, ना ही तो रेगुलेटरी कमीशन को भेजती हैं, ना यूजीसी को भेज रहे हैं, ना डिजी लॉकर पर डाल रहे हैं, तो इतनी सारी जो कमियां छोड़ रही हैं यूनिवर्सिटियां, बाद में फर्क पड़ता नहीं, पैसा इतना कमा लेंगे आप लोगों से कि दूसरी यूनिवर्सिटी बना लेंगे या फिर यूनिवर्सिटी का नाम बदल देंगे, इसमें प्रॉब्लम किसको होगी, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को, सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट को। अपने आप को सेफ रखें, बैकडेट डिग्री के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह का सवाल है आपके दिल में, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।